अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हिबा का पेपर है मैट्रिक का, तो इसलिए मैं जो है वो हम लोग उसको छोड़ने जा रहे हैं उसके एग्ज़ाम्स के लिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हिबा की जो 9th की परसेंटेज थी माशाल्लाह वो 93% थी उसकी, बहुत अच्छी परसेंटेज ली थी। तो दुआ कीजिएगा कि अभी उसकी मैट्रिक में भी जो है वो इससे ज़्यादा बने इंशाल्लाह। और आप सबकी दुआएं होंगी तो उसके पेपर अच्छे होंगे। और आप लोग दिल से दुआ कीजिएगा कि उसके लिए और तमाम जितने भी बच्चे जो है वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं मैट्रिक के 9th के, तो उनको अल्लाह मियाँ कामयाब करे, उनके पेपर अच्छे करे और अल्लाह मियाँ उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाए। आमीन सुम आमीन। जी व्यूअर्स, तो अभी हम जाएंगे उसके हिबा के स्कूल। जी व्यूअर्स, तो अब मैं हिबा को छोड़कर आ गई हूँ और फिर 12:30 बजे उसको पिकअप करना है। और राफ़ी उठ गया है क्योंकि राफ़ी की छुट्टियाँ हैं। राफ़ी का जो है वो उसके स्कूल में जो है वो बोर्ड पड़ा है, तो इसकी वजह से जो है उसकी छुट्टियाँ हो गई हैं। ब्रेकफास्ट मैंने अभी राफ़ी का बनाया है, अब राफ़ी को ब्रेकफास्ट दूँगी और साथ साथ अपनी भी चाय पीऊँगी। राफ़ी का ब्रेकफास्ट है क्योंकि वो फ्राइड ब्रेड और चाय का कप पीता है। और ये मेरी चाय है, अब मैं लेके जा रही हूँ अंदर, मैं भी चाय पीऊँगी और राफ़ी को भी दूँगी। घर सारा बिखरा हुआ है क्योंकि अभी मुझे चाय पी के फिर सेटिंग करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। और आज मैं बना रही हूँ पचमेल दाल। तो ये देखें राफ़ी साहब उड़ गए हैं, ये बैठे हुए हैं राफ़ी साहब। ये लो राफ़ी बेटा, और ये इसका बेड है जो कि अभी वाइंड अप करके इसको मैं सोफ़ा बना लूँगी। ये देखें सारा जो हाल हुआ हुआ है मेरे रूम का, अभी इसको सारा सेट वगैरह करना है, फिर इंशाल्लाह बाकी का ब्लॉग देखते हैं आगे क्या होता है। 2 hours later जी व्यूअर्स, तो अभी तकरीबन 12:15 हो रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ हिबा को लेने। हिबा को लेकर आती हूँ और पचमेल दाल मैंने आधी चढ़ा दी है, बाकी आधी रह गई है वो इंशाल्लाह आके जो है वो मैं बना लूँगी पचमेल दाल। जी व्यूअर्स, ये देखें गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल। जी व्यूअर्स, तो अरे हिबा का जो है वो आज पहला पेपर था। कैसा हुआ है अरे हिबा पेपर? और ये गवर्नमेंट स्कूल है, आप हालत इसकी देख सकते हैं कैसी है। जी व्यूअर्स, तो मेरी ये देखिए पचमेल दाल मेरी हो गई है रेडी। और मैंने अपने चैनल पे इसी रेसिपी डाली हुई है, अगर आप लोगों को बनाना है पचमेल दाल बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने मेरी ये देख के जो है वो बनाई थी रेसिपी, उनको बहुत अच्छी लगी थी पचमेल दाल। तो आई होप आप लोग भी बनाएंगे तो आप लोगों को भी पचमेल दाल अच्छी लगती है। और अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। A few moments later जी व्यूअर्स, तो खाना वाना खा लिया था, फिर उसके बाद जो है हिबा को लेने हिबा को लेकर आ गई थी, फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया था। आज पचमेल दाल बनाई थी मैंने और आपको पता है बहुत जल्दी बन जाती है पचमेल दाल। और एक पार्सल आया है मेरे पास, हेयर पार्सल है ये, और ये ब्यूटी एंड शाइन कॉस्मेटिक्स की तरफ से आया है। और ये देखिए पार्सल है, अभी इसको मैं ओपनिंग करूँगी। तो ये पीआर आया है मेरे पास क्योंकि पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, पहले मैं एक हफ़्ता खुद यूज़ करूँगी इसको हेयर्स के ऊपर। आपको पता है आजकल हेयर्स का प्रॉब्लम हर जगह हर वक्त रहता ही रहता है। तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ये जो प्रोडक्ट आई है बहुत जानने वाले हैं, बहुत अच्छी कंपनी है वहाँ से आई है ये। तो इंशाल्लाह जो है पहले मैं खुद ट्राई करूँगी अपने हेयर्स के ऊपर, उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ
शेयर करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अच्छी प्रोडक्ट है। और अभी मैं इसकी ओपनिंग कर रही हूँ, अंदर से देखती हूँ क्योंकि पैकिंग मैंने भी नहीं देखी हुई है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आजकल आपको पता है प्रॉब्लम जो है हेयर्स की, वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, किसी भी एज में जो है वो हेयर प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें मैं अभी ओपन कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को बताती हूँ कि जो है ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आए ओपन करते हैं हम अपना पार्सल। जी व्यूअर्स, तो अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ और देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। और ये जो प्रोडक्ट आई है ये पेशावर से आई है, नौशेरा फिरोज से व्यूअर्स। तो ये है ग्रो हेयर ग्रो, तो इसमें तमाम 4 आइटम्स हैं इसके अंदर, और कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट है इसके अंदर, और इसमें हेयर ऑयल है, हेयर शैम्पू है, हेयर स्प्रे है एंड हेयर प्रोटीन है। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने डाली हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी पैकिंग भी कुछ अच्छी है और यूज़ करूँगी। टोटली हर्बल है ये, और ये इसमें कोई केमिकल नहीं है। इस ये पूरी ट्रीटमेंट जो है, हेयर ट्रीटमेंट, ये हर्बल है। बंद कर। जी व्यूअर्स, ये है हेयर शैम्पू है, ये हेयर शैम्पू है, ठीक है, और ये हेयर प्रोटीन है जो कि आपको बाद में बालों में लगानी है, और इसके साथ जो है वो ये हेयर ऑयल है, ये हेयर ऑयल है, ठीक है, और ये हेयर स्प्रे है। तो आई होप ये अच्छी होंगी। मैं इंशाल्लाह पहले खुद यूज़ करूँगी। जी व्यूअर्स, तो पहले मैं ये वन भी खुद ट्राई करूँगी और अपने बालों पे ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये इसकी मैं आपको बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट कैसी है, क्या है, और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी एडवाइस दूँगी। अगर ये मेरे बालों पे वर्क कर गया और अरीबा के बालों पे वर्क कर गया तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन पहले मैं खुद यूज़ करूँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी तक जो मैंने सुना है, जिन्होंने ये यूज़ किया है पेशावर में, उनसे मेरी खुद बात भी हुई है, उन्होंने कहा है बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी है, उनके बालों पे ये वर्क किया है, मतलब इन चीज़ों ने, चारों चीज़ों ने उनके बालों को बहुत अच्छा स्मूथ और शाइनिंग वाला बना दिया है। तो आई होप मेरे लिए भी ये अच्छा होगा और ट्राई करूँगी, ट्राई करने के बाद आप लोगों का हाथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी व्लॉग जारी है और अभी चाय वाय बनेगी। जी व्यूअर्स, तो ये तो मैंने आपको हेयर ट्रीटमेंट का बता दिया, अभी जो है वो मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का, वो आएंगे तो चाय बनाऊँगी, फिर हम चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद व्लॉग चलता रहेगा इंशाल्लाह। फिर मैं इसको एडिट करूँगी, एडिट करके और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के पास भेज दूँगी, देखिएगा ज़रूर इसको। और अभी हम वेट कर रहे हैं, 6 बज रहे हैं तकरीबन, और जैसे हस्बैंड आएंगे तो मैं चाय बनाऊँगी और इंशाल्लाह रात तक का जो व्लॉग होगा वो आपके साथ शेयर होता रहेगा। चले आगे देखते हैं आगे क्या बनता है यहाँ पे, क्या नहीं बनता है।
जी व्यूअर्स, तो आज जो मुझे पीआर पैकेज रिसीव हुआ था वो मैंने इंस्टा पे भी डाल दिया है, लेकिन पहले मैं खुद ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, और फिर आप आज से ही मैं ट्राई शुरू कर दूँगी, और आज से ही अपने बालों की ट्रीटमेंट और मेरी बेटी की ट्रीटमेंट जो है हेयर्स की वो मैं स्टार्ट कर दूँगी, और डे बाई डे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो उसके बाद जो है डिफरेंस आप देखेंगे मेरे बालों में के कितना आया है, कैसे आया है, और शाइनिंग कितनी आई है, और ग्रो कितने हुए हैं। तो इसके साथ ही जो है वो मैं ट्राई करके फिर इसका व्यू रिव्यू जो है वो मैं अगली इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद आपके साथ शेयर करूँगी, और वीडियो भी इसके साथ साथ बना दूँगी। तो मिलते हैं एक हफ़्ते के बाद इस प्रोडक्ट के साथ। जी व्यूअर्स, तो हस्बैंड आ गए हैं और अभी मैं चाय बना के लेकर आई हूँ, और शाम का टाइम है, अभी हम चाय पी रहे हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे रात का, और उसके बाद जो है वो सारे फिर सोने का टाइम हो जाएगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।